हमने भारत के युवाओं को, आज के हमारे प्रोफेशनल्स को खुले आसमान में उड़ने के लिए हौसला दिया है, अवसर दिया है। हमने दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख उसको भी संभाला है और उसे फिर एक बार नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी साख को दाग लग जाए, लेकिन दुनिया अब देश को जान चुकी है। दुनिया के भविष्य में भारत किस प्रकार से योगदान दे सकता है, ये विश्व का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। मन और इस दौरान हमारे विपक्ष के साथियों ने क्या किया, जब इतनी सानुकूल वातावरण, चारों तरफ संभावनाएं ही संभावनाएं, इन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की आड़ में जनता के आत्मविश्वास को तोड़ने की विफल कोशिश की है। आज भारत के युवा रिकॉर्ड संख्या में नए स्टार्टअप लेकर के दुनिया को चकित कर रहे हैं। आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। आज भारत का एक्सपोर्ट नई बुलंदी को छू रहा है। आज भारत की कोई भी अच्छी बात ये सुन नहीं सकते, मोदी जी सबकी जेब में, यही उनकी अवस्था है। आज गरीब के दिल में अपने सपने पूरा करने का भरोसा पैदा हुआ है। आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आईएमएफ अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है। आईएमएफ ने भारत के डीबीटी के और दूसरे हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए, आईएमएफ ने इसे कहा है ये लॉजिस्टिकल मार्वल है। आदरणीय अध्यक्ष जी, WHO ने कहा है, आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जल जीवन मिशन्स के जरिए भारत में 4 लाख लोगों की जान बच रही है। ये 4 लाख कौन है? मेरे गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों के मेरे स्वजन है, हमारे परिवार के निचले तबके में जिंदगी गुजारने के लिए जो मजबूर हुए उनके जन हैं। ऐसे 4 लाख लोगों की जान बचने की बात WHO कह रहा है। एनालिसिस करके के कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान से 3 लाख लोगों को मरने से बचाया गया है। भारत स्वच्छ होता है, 3 लाख लोगों की जिंदगी बचती है। 3 लाख है कौन? वही झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीने के लिए जो मजबूर है, जिनके लिए अनेक कठिनाइयों से गुजारा करना पड़ता है, मेरे गरीब परिवार के लोग, शहरों की बस्तियों में गुजारा करने वाले लोग, गांव में जीने वाले लोग हैं और वंचित तबके के लोग हैं जिनकी जान बची है। यूनिसेफ ने क्या कहा है? यूनिसेफ ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण हर साल गरीबों के 50,000 रुपये बच रहे हैं।
ये लेकिन भारत की इन उपलब्धियों से कांग्रेस समेत विपक्ष के कुछ लोग दलों को अविश्वास है। जो सच्चाई दुनिया दूर से देख रही है ये लोग यहां रहते हैं दिखती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया है। वे जनता के विश्वास को कभी देख नहीं पाते हैं। अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, इसके लिए तो देश क्या कर सकता है।